नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ साइंस। साइंस का क्या स्कोप है, साइंस का क्या दायराकार है, ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली हुई है। द स्पेक्ट्रम ऑफ मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस का जो नज़रिया है या दायराकार है, नो एक्सटेंड्स फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी टू जूलॉजी। अब यानी कि एस्ट्रोनॉमी से लेकर एस्ट्रोनॉमी फलकियात, फलक आसमान, आसमान पे जो सूरज चांद तारे हैं उनके इलम को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, टू जूलॉजी वहाँ से लेकर जूलॉजी तक जानवरों तक, फ्रॉम स्पायरिंग गलेक्सीज जो गलेक्सीज हैं, ठीक है, घूमती हुई फैलती हुई गलेक्सीज जो हैं वहाँ से लेकर टू द हार्ट ऑफ एटम, एटम के हार्ट तक, जो एटम है सबसे छोटा पार्ट उसके उस तक, उसके अंदर तक, फ्रॉम माइक्रोचिप्स टू मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी, माइक्रोचिप से लेकर इंसानी जिस्म जो है उसके मैकेनिज्म, उसके तरीका, उसके के किस तरह से काम करता है, एंड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स टू लिविंग वंस, और गैर जो बेजान अशिया से लेकर जिंदा चीज़ों तक। यानी कि मकसद बताने का यह है कि एक तरफ जो है वो बहुत बड़ी से लेकर बहुत छोटी चीज़ तक मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने आपस में जोड़ी हुई हैं कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो साइंस के दायराकार से बाहर हो। एवरी डिसिप्लिन ऑफ साइंस हैज़ डिवेल्प्ड सो मच दैट इट नीड्स टू बी फर्दर क्लासीफाइड। हर जो जिंदगी साइंस का हर शोबा जो है वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है कि इसकी फर्दर आगे भी इसको क्लासीफाई कर दिया जाए, इसको तकसीम कर दिया जाए, मुख्तलिफ शाखें बना दी जाएँ। साइंस डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज़ विद आउटसाइड फोर्सेस, और साइंस जो है वो इस चीज़ को डील करती है कि इंसान इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज़, बॉडीज़ का इंटरेक्शन मुदाखलत बाहर वाली फोर्सेस के साथ, के कोई भी जिसम है उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करती हैं। इट टेल्स अस हाउ द बॉडीज़ रिएक्ट टू फोर्सेस, ये हमें ये भी बताती है कि बॉडीज़ जो हैं जब फोर्सेस उन पे एक्ट करती हैं तो वो किस तरह का रिस्पॉन्स करती हैं। यानी कि जैसा हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी पे मुख्तलिफ फोर्सेस जो हैं, फ्रिक्शन की फ़ोर्स या मुख्तलिफ फोर्सेस जो हैं, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फ़ोर्स एक्ट कर रही है, तो जब ये हमारे बॉडी पे असर करती है तो हमारा बॉडी आगे से कैसा रिस्पॉन्स करता है। बट इट कैन नॉट टेल हाउ दे रिस्पॉन्ड, लेकिन ये साइंस जो है वो ये नहीं बता सकती कि ये इस तरह का रिस्पॉन्स क्यों देते हैं जो हमारे बॉडीज़ हैं। वो रिस्पॉन्स तो वो बताते हैं कि किस तरह से देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि इस तरह का रिस्पॉन्स देता क्यों है। नो ब्रांचेज ऑफ साइंस हाउएवर डील्स विद कॉन्शियसनेस, साइंस की कोई भी जो ब्रांच है वो ऐसी नहीं है जो कि शऊर के साथ, शऊर को डील करती हो, पर्पज़ मकसद को, यानी कि ज़िंदगी के मकसद को डील करती हो, इंटेंशन किसी ज़मीर के बारे में, या इन उसकी तवज्जो कि क्या है इंटेंशन, वो उसका शऊर क्या है उसके बारे में जो है वो बताती हो, विल उसकी मर्ज़ी बताती हो, विजडम अकल के बारे में, अकल व शऊर के बारे में बताती हो, एंड मोरलिटी और अखलाकियात के बारे में बताती हो। यानी कि साइंस का इन चीज़ों से ज़मीर के साथ, ज़िंदगी का मकसद के साथ, तवज्जो के साथ, ज़मीर के साथ, उसकी मर्ज़ी के साथ, उसकी अकल और उसकी अखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं है। मॉडर्न साइकोलॉजी एंड इवन डिसीजन मेकिंग इज़ बिकमिंग साइंटिफिक, मॉडर्न जो साइकोलॉजी है, नफ्सियात, मॉडर्न नफ्सियात जो है और इवन के जो डिसीजन हम करते हैं ये भी साइंटिफिक होता जा रहा है कि साइंसी तौर पर हम डिसीजन कर लें। साइंस हैज़ बिकम ए कल्चर, साइंस एक सकाफत तो हमारी बन चुकी है, एन एटीट्यूड, एक हमारा एटीट्यूड बन गया है। एटीट्यूड का मतलब होता है हमारा, यानी कि एक हमारा नज़रिया, एटीट्यूड हमारा जो है ज़िंदगी गुजारने का तरीका बन गया है ये साइंस जो है, ठीक है, ये स्कोप है, स्कोप ऑफ साइंस। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ साइंस, साइंस की क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है साइंस। तो देखें एप्लीकेशंस ऑफ साइंस आर आलमोस्ट काउंटलेस, काउंटलेस का मतलब जिनको हम गिन ना सकें, इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं कि हम गिन नहीं सकते। इट इज़ मेकिंग आवर लाइफ्स कंफर्टेबल एंड हैप्पियर, साइंस जो है हमारी ज़िंदगियों को कंफर्टेबल भी बना रही है और खुशहाल भी बना रही है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अपीयर्ड एज द मोस्ट पॉपुलर एंड ओबीडियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे लिए साबित हुई है बहुत पॉपुलर, बहुत ज़्यादा मशहूर और ओबीडियंट कि हमारी हर बात मानती है, इससे हम हर फॉर्म ऑफ एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लाइट, इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे हम जो है वो पंखे चला सकते हैं, इससे हम मशीनें चला सकते हैं,
इससे हम गर्माइश हासिल करने के लिए हीटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्त्री के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम हर फॉर्म ऑफ एनर्जी में इसको चेंज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स हैव प्रोड्यूस्ड अ रेवोल्यूशन इन कंट्रोलिंग दी स्प्रेड ऑफ डिजीज़। एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ ईजाद कर ली हैं इन्होंने, एक जो है वो रेवोल्यूशन, इनकलाब बरपा कर दिया है बीमारियों को कंट्रोल करने में, बीमारियों के फैलाव को रोकने में इनकलाब बरपा कर दिया है। मॉडर्न वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो आने जाने के, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के मॉडर्न जो तरीके हैं, हैज़ मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मोर एक्सेसिबल। उसने दुनिया जहान के हर कोने में जाना जो है हमारा मुमकिन बना दिया है। जैसे जहाँ हम जहाज़ के ज़रिए भी या मुख्तलिफ़ जगहों पर हम पहुँच जाते हैं हवाई जहाज़ के ज़रिए, जहाँ हम पहले नहीं पहुँच सकते थे। जेनेटिक्स, विरासत, टेस्ट ट्यूब बॉडीज़, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो पैदा हो रहे हैं, या टेस्ट ट्यूब जो है बॉडीज़ जो हैं, लेविटेशन ट्रेन्स जो चलने वाली, बहुत तेज़ चलने वाली ट्रेन्स जो जो है अपने जो यानी कि उनके उनकी पटड़ी होती है उससे ज़रा ऊपर चलती हैं लेविटेशन ट्रेन्स। सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी भी जो है वो मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा करंट जो है वो तेज़ी से फ्लो होता है। एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, और बहुत मिनी कंप्यूटर्स जो हैं, बहुत छोटे, मिनी से भी छोटे माइक्रो कंप्यूटर्स आर द इमर्जिंग फेसिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ साइंसेज। साइंस के नए उभरते हुए ये चेहरे हैं, ठीक है। दीज डिस्कवरीज हैव थ्रिल्ड आवर लाइफ्स। इन ये जो डिस्कवरीज़ हैं, ये जो दरियाफ्तें हैं, इन्होंने हमारी ज़िंदगी में बहुत थ्रिल पैदा कर दी है, बहुत गहमा गहमी पैदा कर दी है, हर तरीके से, हर डायमेंशन में। द बिगेस्ट एप्लीकेशन ऑफ साइंस, साइंस की जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है वो क्या है, इज़ दैट इट इज़ अनफोल्डिंग द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। कि ये जो है हमारी कायनात के जो खुफिया राज हैं उनसे पर्दा उठा रही है। विच वर लॉक्ड इन अ मिस्ट्री फॉर द लास्ट 100,000 ईयर, जो कि हज़ारों सालों से हमारे लिए एक मुअम्मा बने हुए थे जो राज कुदरत के, उनसे भी साइंस जो है वो पर्दा उठा रही है।